विमुद्रीकरण के बाद से देश भर में करोड़ों की नकदी जब्त होने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें से नई करेंसी के नोट भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस को अब तक एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब एक लॉ फर्म पर मारे गए छापे में 13 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिसमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा की नई करेंसी है। फर्म के प्रमुख रोहित टंडन की तलाश में दिल्ली पुलिस लगातार छापे मार रही है। क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट सेल की टीम ने कल R89 फर्स्ट फ्लोर GK1 में इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें लगभग 13.5 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें से 3 करोड़ करीब 100 के नोट हैं, 7 करोड़ करीब 1000 के जो नोट बंद हो चुके उनके थे, और करीब 2.60 करोड़ 2000 के नए नोट हैं। देश भर की बात की जाए तो अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की नई रकम और 20 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद किया जा चुका है। 8 नवंबर के बाद से काले धन के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से अब तक 6 करोड़ के नए नोट बरामद। कर्नाटक से अब तक 5.07 करोड़ नए नोट बरामद। तमिलनाडु से अब तक 34 करोड़ के नए नोट बरामद और हैदराबाद से 1 करोड़ के नए नोट बरामद। ये तो देश भर के कुछ शहरों और राज्यों का हाल है। काले से सफेद के इस खेल में बैंक के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। 27 सरकारी बैंक के अधिकारियों को अब तक सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि एक्सिस बैंक ने अपने 19 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। इसके साथ ही दिल्ली से 2 एक्सिस बैंक के मैनेजर भी गिरफ्तार हुए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हुबली से आयकर विभाग ने बड़ी मात्रा में काले धन को बाथरूम से बरामद किया है। तमिलनाडु के वेल्लोर से 24 करोड़ रुपए की नई नकदी जब्त की गई है और ये सभी नोट 2000 के नए नोटों में हैं। इससे पहले विभाग ने चेन्नई में पिछले 2 दिनों के सर्च ऑपरेशन में कुल 142 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। इसमें 10 करोड़ के नए नोट और सोने की ईंटें शामिल हैं। हैदराबाद में भी CBI ने छापा मारकर डाक विभाग के एक अधिकारी के रिश्तेदार से 70 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं। पंजाब के संगरूर जिले से पुलिस ने जाली मुद्रा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने 4,15,000 रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। उधर लखनऊ में आयकर विभाग ने सपा MLC संतोष यादव के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों को 200 करोड़ रुपए मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमुद्रीकरण के ऐलान के बाद से ही काला धन रखने वालों के बुरे दिन आ गए हैं। आयकर विभाग के अधिकारी और पुलिस देश भर में काले धन के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। ऐसे में आने वाले दिनों में काला धन रखने वाले दूसरे लोगों के यहाँ भी छापेमारी का सिलसिला जारी रह सकता है। 8 नवंबर के बाद से काले और सफेद के खेल में लग रहे लोगों के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो 200 करोड़ से ज्यादा की जो नई करेंसी है वो आयकर विभाग अभी तक जब्त कर चुका है। मेरे पीछे आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं, दिल्ली की ये वो फॉर्म है जहाँ पर 10 करोड़ से ज्यादा का जो धन है वो बरामद हुआ है, जिसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा की जो करेंसी थी वो नई थी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि काले और सफेद के खेल में जो लोग लगे हुए हैं सरकार उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि 8 नवंबर के बाद से कई सारे लोग ऐसे देश भर में पकड़े गए जो अपनी ब्लैक मनी को सफेद मनी कर रहे थे। कैमरामैन भीम सिंह के साथ नीरज सिंह, DD News दिल्ली।